Hello everyone, a very warm welcome to our e-learning platform of Eduroam Scientific. I hope you all are doing great. Let's begin our today's session. आज हम इस वीडियो में NCBI डेटाबेस के बारे में बात करेंगे. जो पार्टिसिपेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी, NCBI स्टैंड करता है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन. ये मेंटेन किया जाता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA द्वारा. यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल काम करते हैं इसे मैनेज करने के लिए, लाइक क्लिनिशियंस, रिसर्चर, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, बायो क्यूरेटर, ग्रांट राइटर और डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ सेक्टर प्रोफेशनल्स. सो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बायोलॉजिकल डेटास मिलेगा. आप स्टूडेंट, फैकल्टी, साइंटिस्ट अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए जिस तरीके का नीड है उस तरीके का बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. यहाँ पे डेटा का अमाउंट बहुत ह्यूज है तो डेटा बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट है. आप कैसे इसे यहाँ से ले सकते हैं, माइन कर सकते हैं, एक दिन में ये नहीं किया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है. सो आज हम ट्राई करते हैं कुछ सबसेक्शंस आपको दिखाए जाए. जो बिगनर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं मैं उनको बोलूंगी कि आप इस URL को यूज करिए और इस पेज को ओपन करके इस डेटाबेस तक आ सकते हैं. रिसोर्सेज की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज बायोमेडिकल सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे DNA का स्ट्रक्चर, RNA का स्ट्रक्चर, सीक्वेंस इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड का, जीन का इंफॉर्मेशन, जीनोम का इंफॉर्मेशन, टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी का इंफॉर्मेशन. अगर आपको केमिस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम NCBI PubChem को भी यूज कर सकते हैं. बेस्ट तरीका है आप यहाँ पे ऑल डेटाबेसेस जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे आइए और ड्रॉप डाउन के हेल्प से आपको जिस तरीका का डेटा चाहिए उसे क्लिक करते हुए सर्च बटन में इंफॉर्मेशन अपना माइन कर सकते हैं. सो अगर आपको जीन का इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे अपना जीन का नाम लिखिए और सर्च कर सकते हैं. तो अगर हम मोस्टली बात करें तो NCBI में बहुत सारे सबसेट्स हैं, जैसे अभी आपने ड्रॉप डाउन बटन में देखा, और अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो भी बहुत ह्यूज है बायोलॉजिकल. सो ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट, एक स्टूडेंट, एक फैकल्टी को वो सारा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट येस मोस्टली जीन का इंफॉर्मेशन, जीनोम का इंफॉर्मेशन, प्रोटीन, केमिकल, साइंटिफिक लिटरेचर, ये कुछ ऐसे सबसेट है जिनका इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ही होता है किसी ना किसी स्टेज पे. सो आई ट्राई इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ एक दिन में नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं ट्राई करूंगी कि आने वाले वीडियोज में आपके लिए लाइव प्रैक्टिकल सेशन के साथ ये डेमोन्स्ट्रेशन में दूँ. आज मैं ट्राई करूंगी आपको NCBI PubMed दिखा सकूं. सो NCBI जो PubMed है वो आप साइंटिफिक वैलिडेटेड रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, साइंटिफिक कम्युनिकेशंस, राइटिंग वाला जो पार्ट है आप वो यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं. आप यहाँ पे NCBI PubMed जो सेक्शन है ऑल डेटाबेसेस NCBI डेटाबेस में जाके आप, जैसे मैंने आपको दिखाया था, आप यहाँ NCBI के डेटाबेस पे आइए इस URL को यूज करते हुए, और डेटाबेस में आइए, स्क्रॉल कीजिए एंड पबमिट को क्लिक कीजिए तो आप इस पेज तक आएंगे. यहाँ पे अगर आपको बेसिक अगर डेटा माइन करना है साइंटिफिक लिटरेचर का, आप टाइप कीजिए अपनी क्वेरी. सपोज आपको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे काम करना है, क्रिस्पर को टाइप कर सकते हैं. SARS-CoV-2 के लिए करना है आप उनका नाम लिख सकते हैं. आप कितने स्मार्टली अपने कीवर्ड्स डाल रहे हैं. सपोज अगर मुझे ब्रेस्ट कैंसर पे भी काम करना है, यू नो इट्स अ सिग्निफिकेंट एरिया, सो यहाँ पे बहुत सारा लिटरेचर है. सो मुझे ब्रेस्ट कैंसर पे मॉलिकुलर काम करना है, सिग्नलिंग पे काम करना है, ड्रग पे काम करना है, डायग्नोस्टिक पे काम करना है. सो कुछ कीवर्ड्स मेरे पास होने चाहिए जिससे कि मेरा डेटा माइनिंग ईजी रहे. अभी आप देखिए अगर मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से आर्टिकल सर्च कर रही हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट 4 लाख से ज्यादा हिट्स आ रहे हैं रिजल्ट्स के आर्टिकल्स में और रिव्यू में. ये सारा पढ़ना इम्पॉसिबल है. सो आपको या तो एडवांस सेटिंग्स पे जाना होगा और इसको मिनिमाइज करना होगा सो दैट आपके पास सिग्निफिकेंट डेटा और आर्टिकल ही आए, और अगर आप चाहते हैं तो आप एडवांस सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे डिस्प्ले में आके बेस्ट मैच को डेट वाइज, ऑथर वाइज, जर्नल वाइज भी मिनिमाइज कर सकते हैं. बेसिक लेवल पे सर्च करने के लिए ये बेस्ट तरीके हैं. आप डेट वाइज, ऑथर वाइज चूज कीजिए. अदरवाइज मैं आपको आने वाली वीडियो में एडवांस सेटिंग्स के साथ जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली 3-4 तरीके हैं उनको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ट्रंकेशन एंड और
मैथ्स को यूज करते हुए हम लोग और मिनिमाइज सिग्निफिकेंट लिटरेचर तक जा सकते हैं. आई विल ट्राई कि मैं वो भी आपको दिखाऊं. सो एक मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ, क्योंकि सी अभी क्या होता है, रिसर्च आर्टिकल आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, थीसिस राइटिंग के लिए चाहिए. अगर आप खुद का रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, आपको भी साइटेशन देने हैं, ग्रांट सबमिट करना है, प्रपोजल्स लिखने हैं. तो यहाँ पे हम अपना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और आर्टिकल का इंफॉर्मेशन देना है साइटेशंस. अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, क्या अभी साइंटिफिक कम्युनिटी में रिसर्च वाइज हो रहा है, सपोज अगर सार्स के बारे में, क्रिस्पर के बारे में, एनजीएस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपके करिकुलम में मोस्टली नहीं होते हैं. तो आज की डेट में साइंस में कितना एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, किस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सारा क्रूशियल इंफॉर्मेशन आप यहाँ से पबमिट से गैदर करके स्मार्टली यूज कर सकते हैं. सो लेट्स सी फ्यू डेमो. सो आप एनसीबीआई के पेज पे आइए. यूआरएल मैंने आपको दिखाया ही था. आप इस यूआरएल को यूज करते हुए एनसीबीआई के पेज में आ सकते हैं. और डेटाबेसेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अभी हमारे पे रिसोर्सेज हैं. अभी हम सब यूज नहीं कर रहे हैं, एक दिन में पॉसिबल भी नहीं है. आप लिटरेचर के लिए कहाँ जाएंगे, आप पबमिट पे आइए. आपको जो भी रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है, सपोज इफ आई वॉन्ट टू रीड अबाउट एप्टमर्स, ओके, सो आई हैव टू सर्च एप्टमर्स. एप्टमर्स पे बहुत आपको ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, स्टिल इट्स अ नोन एरिया जहाँ पे आप इसको अप्लाइड वे में यूज कर सकते हैं. स्टिल यहाँ पे 16,000 से ज्यादा पेपर्स आपको दिख रहे हैं. पेपर रिव्यूज भी हो सकते हैं, आर्टिकल भी हो सकते हैं. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी ईयर वाइज इन्होंने आपको मेंशन कर रखा है डिफरेंट. अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, फुल टेक्स्ट चाहिए, बुक्स चाहिए, किस ड्यूरेशन के पेपर चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज आप डिस्प्ले में जाके अपने बेस्ट मैचेस रीसेंट या डेट के वाइज या ऑथर या जर्नल्स के नाम के हिसाब से भी ले सकते हैं, या एडवांस सेटिंग में भी आके आप चेंजेस करके आप बहुत मिनिमाइज वे में इनको अभी 16,000 से और स्पेसिफिकली मिनिमाइज किया जा सकते हैं, सो दैट कि आपके पास आप ही का लिटरेचर हो जिस पे आपका फोकस हो. जैसे अगर मुझे एप्टोमस ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोस्टिक में यूज करना है, सो मेरे पास सारे एप्टोमस के पेपर्स नहीं आए, मेरे पास वो रिसर्च आर्टिकल्स या रिव्यू आए जो एप्टोमस रिलेटेड हैं या जो ब्रेस्ट कैंसर और डायग्नोस्टिक रिलेटेड हैं. सो वो हम एडवांस लेवल पे आपको सिखा देंगे. अगर आपने बेसिक सर्च किया है, सो आपको इस हिसाब से पेपर्स आएंगे, आपको इनको ओपन करना है. यहाँ पे आपको आर्टिकल कहाँ पब्लिश हुआ है, साइटेशंस मिल जाएंगी, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, पेजेस नंबर, वॉल्यूम नंबर एंड ऑल, आर्टिकल किसने पब्लिश किया है, उसका एफिलिएशन, एब्स्ट्रैक्ट, समरी. एंड अगर आपको फुल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करिए. सो आप जर्नल की साइट पे आ जाएंगे. ओके, बहुत सारे पेपर्स आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे, या अगर आपके इंस्टीट्यूट ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको जर्नल्स को पे नहीं करना पड़ता, अदरवाइज कुछ जर्नल्स में हमें पे भी करना पड़ता है. सो अगर मैं ये रिव्यू पढ़ना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे पीडीएफ को क्लिक करके इसे डाउनलोड करके अपनी स्टडीज के लिए, अपने थीसिस के लिए, अपने ग्रांट राइटिंग और डिफरेंट पर्पज के लिए इसे यूज कर सकते हैं. आप इस पेपर को आराम से स्टोर कीजिए, पढ़िए और यूज कीजिए, बट यूज करने टाइम आपको इसे साइट भी करना पड़ेगा. I think it is taking a bit of time. Yes, now it's open. तो यहाँ पे आपके पास रिव्यू है. रिव्यू आर्टिकल भी हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि कई बार हमें प्रोटोकॉल चाहिए, उस सब्जेक्ट को समझना है, ऑल साइंटिस्ट ऑल ग्रुप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे काम कर रहे हैं, क्या ट्रबल शूटिंग की है. सो रिव्यू आर्टिकल पढ़ने से आपको बहुत अच्छे से आइडिया होता है. रिसर्च आर्टिकल को पढ़ने से आपको सिस्टमैटिकली प्रोटोकॉल्स, अप्रोच, कैसे किया गया है काम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट्स में, वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है. सो आप रिसर्च आर्टिकल और रिव्यूज, मिनी रिव्यूज, कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू अपने नीड के हिसाब से यहाँ से गैदर कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू. बाकी जितने भी और भी जो सबसेट्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैं आने वाली वीडियोज में आपको एडवांस सेटिंग्स के साथ डिस्क्राइब करती हूँ. Meanwhile, I would suggest कि आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.